हमारे समाज में धार्मिक रीति रिवाज को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि धार्मिक रीति रिवाज का पालन ना करना नुकसानदायक हो सकता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव शंकर को खुश करने के लिए सावन के महीने में व्रत भी रखा जाता है। भगवान शिव जी को खुश करने के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन महिलाएं खासतौर पर कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को छूने की इजाज़त नहीं होती है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष द्वारा ही संपन्न की जाती है, ना कि नारी के द्वारा। पूजा पाठ के बाद भगवान शिव जी के भक्त के शिवलिंग के आसपास घूमकर परिक्रमा को सही मानते हैं, लेकिन महिलाओं को शिवलिंग के करीब आने की इजाज़त नहीं होती है। इसके बारे में एक धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव शंकर गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग की पूजा ना करने के लिए कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि शिव जी हमेशा पूजा में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता और अप्सराएं भी भगवान शिव जी की पूजा में सावधानी रखते हैं। महिलाओं को शिवलिंग के पास जाने की इजाज़त नहीं होती, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि महिलाएं भगवान शिव जी की पूजा नहीं कर सकती। ज्योतिषियों का कहना है कि 10 से ज़्यादा व्रत करने वाली लड़कियों से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी के खुश होने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन भी अच्छा बीतता है। हिंदू धर्म में माता पार्वती और शिव जी की जोड़ी को सबसे अच्छा माना गया है। सावन के महीने में पूजा पाठ करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी की पूजा में ऐसा करना अशुभ माना जाता है।